अस्सलाम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शहरियार एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट सॉल्यूशन। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस डाली थी जो रोशन घराना स्कीम के हवाले से थी, ये उसी को लेके एक तीसरी वीडियो और शॉर्ट वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ। कुछ सवाल थे जो आप लोगों को उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। अगर आप जो लोग क्वेश्चन करना चाह जिन लोगों के भी जो क्वेश्चन हैं, दो वीडियोज़ आपको ऑलरेडी चैनल में मिल जाएंगे। आप वो जाकर कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म में जो है मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर दूंगा कि रोशन घराना स्कीम है जो 200 यूनिट तक बिजली का जिनके यूनिट कंजप्शन है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है 50,000 घरों को ये स्कीम दी जाएगी जो 200 यूनिट तक जिनके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसमें सोलर सिस्टम, सोलर पैनल, बैटरीज वगैरह हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, माउंटिंग स्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री, लेबर, ये सारी चीज़ें आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलेंगी। कुछ चंद एक सवाल थे जिन लोगों के इशूज़ आ रहे थे। बैंक ऑफ पंजाब बहुत सारी ब्रांचेस में जो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि वहाँ पर फॉर्म अवेलेबल नहीं है। फॉर्म जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन वीडियोस में भी मौजूद है वहाँ से। क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब की ना एक और चीज़ क्लियर करेंगे, बैंक ऑफ पंजाब शमसी तवानाई या उनकी सोलर एनर्जी का एक अलग से फॉर्म था, वही फॉर्म जो है रोशन घराना स्कीम का भी है। तो इस वजह से जो है उनकी अपनी स्कीम हो सकता है बंद हो गई हो सोलर स्कीम या अवेलेबल है, तो वो उसके लिए है। वही चीज़ बैंक ऑफ जो है पंजाब गवर्नमेंट के लिए जो आप अप्लाई करें स्कीम, वो फॉर्म सेम ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप वो प्रिंट निकलवा के खुद ही फिल करके सारी चीज़ें आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, या बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगी। बात करते हैं इसके हवाले से जो इनवैलिड CNIC आ रहा है, जो लोग मैसेज के जरिए अप्लाई करें, बहुत सारे लोग मैसेज पे अप्लाई करते हैं जो 8800 पे मैसेज, किसी का नहीं जाता, किसी का जाता है, किसी का इनवैलिड CNIC आ जाता है, उसमें इश्यूज हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने उन वीडियोस में भी डिटेल बताई हुई है। 8800 पे आप मैसेज करेंगे, सबसे पहले आप अपना CNIC लिखेंगे, विदाउट डैशेज लिखेंगे, बीच में एक स्पेस देंगे, उसके बाद आप अपना बिल का रेफरेंस नंबर, अपना बिल सामने रखेंगे और रेफरेंस नंबर, ये जो थोड़ी चीज़ें हैं ना थोड़ी, उसको आप सेंड कर देंगे 8800 पे। ये जो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि मैंने बारहा दफ़ा उन वीडियोस में बोला है सिम उसी बंदे का नाम होनी चाहिए जिसके नाम पे मीटर है, वही बंदा अप्लाई कर सकता है। इन केस किसी के वालिद की डेथ हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। इन केस जिन लोगों के नाम मीटर भी है, वो नंबर भी उन्हीं के नाम है सिम, और फिर भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका ये इशू होता है कि आप मेपको ऑफिस या लेस्को ऑफिस या जो भी इलेक्ट्रिकल कंपनी से आपकी वापडा के ऑफिस है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पंजाब प्रोविंस में, वहाँ जाएंगे, उनका एक वो आपको फॉर्म मिलता है, उसमें आपने अपना नेम, बिल का रेफरेंस नंबर, वो सारी डिटेल्स, अपना CNIC नंबर, अपना फ़ोन नंबर, वो लिख के उनके यहाँ रजिस्टर्ड करवा देना होता है, वो अपडेट हो जाता है। अगर अपडेट नहीं है पहले, क्योंकि ये सिस्टम नहीं होते थे, अब हैं पड़े ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप वहाँ वापडा ऑफिस जाएँ अपने मुतलका, वहाँ जाके अपना वो मीटर की डिटेल्स हैं वो अपडेट करा रहे हैं जो मीटर कनेक्शन लगा हुआ है। अगर किसी के वालिद की डेथ हो गया तो वो बंदा जाके अपने नाम मीटर शिफ्ट करवा ले, अगर उसको ज़्यादा इशू आ रहा है, नहीं तो वो डेथ सर्टिफिकेट अटैच कर सकता है, उसको भी स्कीम में फ़ायदा उठा सकते हैं। इन केस अगर वो चाहते हैं कि मेरे नाम मीटर हो जाए तो वो आपका ऑफिस चला जाए, चीज़ें तो वैसे ही अपडेट होनी है मीटर कनेक्शन की, तो मीटर की कनेक्शन भी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ले, तो उसमें जो है वो आप फॉर्म फिल करके उनको दे देते हैं और आपकी सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। उसके बाद आप 8800 पर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।